अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ कलर जिन कैलर से फरिया, और आज मैंने कहा चले आपसे गपशप लगाते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं आज कनाडा का मौसम कैसा है। दोबारा से जो है वो बारिश हुई है रात बहुत ज़्यादा, और अभी दोबारा इस तरह हो गया है जिस तरह हफ्स हो जाती है। और 20 आज टेम्परेचर है कनाडा में, लेकिन अच्छी खासी गर्मी जो है वो दोबारा से शुरू हो चुकी हुई है। तो ऐसा ही मौसम चल रहा है। आसिफा रऊफ आ चुकी है हमारे साथ, वेलकम जी। वालेकुम अस्सलाम। आदिल बाजवा है और आगा आसिफ भी आ चुके हैं हमारे साथ, सबको वेलकम करते हैं। अभी ग्रास का काफ़ी देखें जी बुरा हाल है यहाँ पर। मुअज्जम खान है, शानी शानी है, वालेकुम अस्सलाम, और नासिर है हमारे साथ, अब्दुल तवाब भी है हमारे साथ, और कदाफी भी आ चुके हैं, मोहम्मद तैयब है, सबको वेलकम करते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। आज अपने घर के यहाँ पर बाहर ही खड़े होकर आपसे गपशप लगा रहे हैं, और बड़ा मज़े का मौसम, हवा ठंडी चल रही है लेकिन गर्मी भी साथ साथ हो गई है। अब्दुल लतीफ़ हैं, वालेकुम अस्सलाम, शेर मोहम्मद हैं, और आगा आसिफ भी आ चुके हैं, मसूद चिश्ती हैं जी, और हाँ जी स्काई अभी क्लियर हो गया हुआ है लेकिन सुबह बहुत, बल्कि रात से बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू हुई हुई थी। जाहिद अवैस हैं जी, महिंद्रा भाई भी आ चुके हैं हमारे साथ, सबको वेलकम करते हैं। वेखो जी जाली लाई हुई ने, सारी हवा शवा रोकी हुई ने, इस नू हुण सारी नू असी उतार सा इथों ते बारू तुहानू दिखांदे आ, नीचे बेसमेंट च असी काम शुरू कर दिता होया, और काफ़ी हद तक दीवारें शारे हमने जो है वो वहाँ से निकाल दी हुई हैं। चौधरी सकलैन है, देखो जो भी आंदा है अपने हिसाब नाल, जो पहले आए उन्होंने सारे कमरे बनाए, दीवारां लगाइयां, सारा कुछ, असी आए हाँ सानू खुला चाहिए, असी सारियां दीवारां तोड़ियां गिराइयां, और ऐसा ही चलता है यहाँ पर। तो अभी तक जो है ये पेंट के लिए ढूंढ रहे हैं लोग, और जो है वो देखते हैं कौन हमें जो है वो अच्छा कोट देता है, फिर उसके मुताबिक जाएंगे। और कुदरतुल्ला है जी, फैज़ान है, काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं जी शेयर कर दीजिए, नीचे फेसबुक स्टार्स हैं वहाँ से आप लोग स्टार्स भी भेज सकते हैं, आप लोग तरफ से प्यार और अप्रिसिएशन होता है। ये सारे थैले ऐसे पार के रखे ने जी, नीचे सारी ड्राई वॉल निकाल रहे हैं। अब इसका सिस्टम ही होता है, यहाँ से ये लेंगे और जाके सारा जो है वो यहाँ पर डंप है, वहाँ पर जाके फेंकने पड़ेंगे और वो उसके पैसे चार्ज करते हैं। नूरे सुबह है और जी सुदेश है हमारे साथ, नवाब डार भी आ चुके हैं हमारे साथ, सबको वेलकम करते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। और देखो जी साड़ा ये बैक यार्ड है, और यहाँ से ये जो है ये भी सारा निकालेंगे अभी। ये देखो कितने क्यूट से टर्टल्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, ओ दो फ्रेंड्स जो है ना, कुमैल अब्बास है, अनीस है, और इरशाद मुबारक भी आ चुके हैं हमारे साथ, चौधरी अली शाह हैं, सबको वेलकम करते हैं। ये इन्होंने ऐसी पता नहीं क्या ये छज्जा सा बनाया हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी जगह वेस्ट हुई हुई है, इसको भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। मीर वली खान हैं जी, और सहारा नरवी भी सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी, सबको वेलकम जी, और प्यारी सी पीछे बेलें भी लगी हुई हैं, और ये अच्छा काम किया हुआ इन्होंने कि यहाँ से ये पूरा जो है वो घास नहीं छोड़ी हुई है, इसको ज़रा सारा ये बना दिया हुआ है। शेड जो है वो काफ़ी बुरा है, बेंच भी रखा हुआ है, इतना तुम बह भी सकते हो। और मीर वली कह रहे हैं जी ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त, तो अभी अभी इसको ज़बरदस्त करेंगे। यहाँ से देखें जी नीचे जाने का रास्ता था बेसमेंट का, और ये बड़ी महंगी बेसमेंट जो है वो रेंट आउट भी होती हैं, जिनका वॉकआउट जो है वो ये पीछे से रस्ते होते हैं, सारा कुछ प्रॉपर बनी हुई होती हैं। मसूद चिश्ती हैं, और जी ये नया वाला घर है लेकिन अभी नया इसको बनना है, मतलब नया हमने ख़रीदा है, नया है नहीं लेकिन अभी इसको नया करेंगे इंशाल्लाह। नवाब डार हैं, और घर में सब ठीक, हाँ जी सब ठीक ठाक ने जी, बिल्कुल तुहाड़ियाँ दुआवां ने। नूरुल दीन है हमारे साथ जी, और कुदरतुल्ला भी आ चुके हैं हमारे साथ। ये शेड देखें जी, यहाँ से इसको खोलो तो अंदर इसके जगह बहुत ज़्यादा है, ये पूरा वर्क बेंच भी रखा हुआ है और प्रॉपर बनाया हुआ है, लेकिन ये है कि इसका जो है वो फ्रंट थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। नुमान हयात है और नौशीन भी आ चुकी हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी नौशीन, आप कैसे हो? शेयर कर रहे हो कि कोई नहीं कर रहे हो सारे? और ये खुद ही जो है वो कस्टम मेड ये बनाया हुआ है, वरना जो दूसरे मिलते हैं रबर मेड के मिलते हैं, और वो खुद ही आप यहाँ पर लाकर इंस्टॉल कर सकते हो। नवाब डार हैं और कह रहे हैं करो ऐश, आला जी कर रहे हैं बड़ी ऐश, कल सारा दिन काम लगे रहे हैं, ऐश करो जी, ऐश ऐश नहीं होंगी ना मुल्क च, ना मुल्क च काम ही होंगे ने। और बतूल फातिमा है, और जी
क्या कह रही हैं आप, कनाडा में रेंट हाउस इजीली मिल जाते हैं और जॉब भी। फातिमा, एक्चुअली ये है कि घर तो रेंट पे मिल जाते हैं, बट रेंट इतने हाई हो चुके हुए हैं अभी यहाँ पर। जो आपको 900 और 1000 में मिलता था, वो आप 1500 पे चला गया हुआ है। और अगर पूरा आप घर लेते हो तो 2500 और 3000, और इससे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा घर है। और अब बेसमेंट जो है वो पहले 700-800 पे रेंट पे होती थी, और अभी जो है वो तकरीबन 1300-1400 पे जो है वो बेसमेंट रेंट आउट होती है। तो कीमतें जो है वो ऑफ कोर्स घरों की इतनी ऊपर चली गई हैं, तो वो नीचे भी सारे जो है वो मामले चेंज हो गए हैं। ये सारे विंडो है हमारी बेसमेंट की, यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, सारा हम यहाँ से खोल रहे हैं विंडो को, ये सारी वॉल्स निकाल रहे हैं, और अभी इसको यहाँ पे सारा ओपन बना देंगे। इसरार अहमद है, और इस घर की ये खिड़कियाँ जो हैं ये खुलती नहीं हैं, थोड़ी बहुत खुलती हैं, पूरी नहीं खुलती, लेकिन इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। ये सारी चेंज करा रहे हैं, और ये अभी इतने महंगा हो गया हुआ है कि 750 की एक खिड़की चेंज हो रही है, सोच सकते हैं आप। तैयब आलम है जी, और मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? पंकज आ चुके हैं, नवाब डार हैं, मुझे हाउस लेना है, रेट बोलो। कौन सा हाउस लेना है आपने? ये वाला हाउस लेना है, इसको तो अभी हम ठीक कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे जो मार्केट लगती है उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे। और अगर वैसे आप कनाडा में पूछ रहे हो, तो कनाडा में अभी मार्केट स्लो हुई हुई है, घर जो है वो इतने जो है वो अभी सेल नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ा सा टाइम बाद जो है वो अभी दोबारा से मार्केट ऊपर जाएगी और फिर घरों की प्राइसेस ऊपर जाएगी। जिशान है, फवाद खान है, और जी नूरे सुबह भी हैं। मौसम तो अच्छा है, 20 है टेम्परेचर। मौसम जो है वो यहाँ पर ज़रा साइड पे हूँ मैं, तो ज़रा हवा और ठंडा लग रहा है, लेकिन बाहर ज़रा सा धूप में जाओ तो अच्छी खासी जिस तरह बरसात की हब्स होती है, वो उस टाइप का ह्यूमिड वेदर हुआ हुआ है यहाँ पर। अनीस अंजुम है, और अनीस खुद को दिखाओ। अनीस, इस बात का क्या मकसद है, खुद को दिखाओ? इतनी रील्स और वीडियोस लगी, आप जाके देख लो ना। और जो है वो आपको डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी इंसान क्या है, जो बाकी जैसे लोग हैं, हम लोग भी वैसे ही लोग होते हैं, हमको हमारे कुछ सरों पर सींग थोड़ी निकले होंगे ने कि ऐसे थोड़े मुख्तलिफ होंगे। जिशान है, मीर मुर्तजा है, और बाहरी कराम है, और जी सिद रहमात भी आ चुके हैं हमारे साथ, सबको वेलकम करते हैं ये। इन्होंने यहाँ पर मुझे तो खैर ये क्यारियाँ जो है वो क्यूट लगी हैं, यहाँ पर सामने आप फूल लगा लें, लेकिन नूरे खुदा ने ये सारा जो है वो ग्लास पैनल करने हैं, तो यहाँ से ये चीज़ सारी जो है वो हटेगी, और ये जो डेक है नीचे इसको सारा जो है इसको भी पेंट करेंगे, और इसको भी ज़रा फ्रेश लुक देंगे। डोर्स अभी पेंट होंगे, अभी बहुत काम है यहाँ पर। और वकार अली हैं, और जी रमेश भाई भी आ चुके हैं हमारे साथ, सबको वेलकम करते हैं। शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? प्लेस बता दें, ये है जी ब्रैंटफोर्ड, और यहाँ से आपको लाइव दिखा रही हूँ। अभी आपने अगर देखा नहीं है पिछली लाइव जो की है मैंने, उसमें ऊपर मेंशन किया हुआ है जगह का नाम, तो आप वहाँ से देख लो। अगर समझ नहीं आ रही, ब्रैंटफोर्ड के नाम से है ये जगह, और यहाँ से आपको जो है वो लाइव दिखा रही हूँ। यहाँ पर अभी हमने घर खरीदा है, बहुत अच्छा है, बहुत नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत सारे प्यारे प्यारे घर बन रहे हैं। कल हम एक जगह गए कुछ चीज़ देखने के लिए, तो बहुत खूबसूरत एरिया था, यहाँ से 7 मिनट की ड्राइव पे है, और यहाँ पर जो है वो एक सिटी है पेरिस के नाम से, वो यहाँ से 10 मिनट दूर है। अब्दुल सितार आ चुके हैं जी, बहुत मुबारक, खैर मुबारक जी। और जिशान मोहम्मद है, मेहर अब्बास है, और एटमोसफियर हाँ जी अच्छा है, और इश्तियाक अब्बासी है। डॉलर का क्या रेट है? ये चीज़ें आप गूगल किया करें जी मैडम, है कोई ये तो नहीं है कि कनाडा का पूरा इंफॉर्मेशन रखी हुई मैं। डॉलर 200 से ऊपर ही जा रहा था, लेकिन आप ऐसी चीज़ें जो पूछते हैं क्वेश्चंस, तो मुझे समझ नहीं आती। आप लोग, मैं भी आपको गूगल करके ही बताऊंगी, तो आप लोग खुद थोड़ी सी एफर्ट करो, गूगल करो और चेक कर लो कि क्या चल रहे हैं। बाकी जो हाउसिंग प्राइस है और ये चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको बता आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ मार्केट्स कैसी चल रही हैं, जॉब्स कैसे जा रहे हैं, क्या चीज़ें खुली हैं, क्या बंद हुई है, ये तो बता सकते हो। मैं आपको बताऊं जी डॉलर कितने का हो गया, तो ये चीजें आप लोग गूगल करके चेक किया करें। या मैं आपको बताऊं जी मैं स्टूडेंट वीजा कैसे करूं, तो मैं दूसरा वीजा कैसा करूं, तो ये एक प्रॉपर तरीके होते हैं। यूं थोड़ी होता है कि हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन होती है जी, तुम इंज कर लो तो ये वीजा लग जाएगा, उंज करो तो वो लगेगा। सबाहत है हमारे साथ जी, और गाजी गुल है, और शानी शानी सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। फराज है, कह रहे नाइस, थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगे साथ साथ शेयर करें। वेखो साडा डोर भी हैगा बाहर,
है ना, समझना, खुला माहौल है। और देखो कितना मजे का सारा ग्रीन होना शुरू हो गया, एक दो बारिशें हुई है तो सारा चेंज हो गया। नूरे सुबह है, नए घर की बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और तैयब आलम है, तैयब आप लोगों की तो अजीब ही बातें हैं गर्ल। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगी, कोई गोरी दिखाऊंगी तो क्या होगा, गोरी इंसान नहीं होगी कि या उसके कोई दो नाक होंगे, छह आंखें होंगी, या क्या वो मखलूक होगी? तो पता नहीं मुझे, आप ऐसे लोगों की समझ नहीं आती कि इन बातों का मकसद क्या है। सना सलमान है और जी प्रदीप है, और सना सलमान कह रही हैं आज कहाँ हैं जी, ब्रैनफिट वाले घर पे हैं अपने, वहीं से आपको लाइव दिखा रही हूँ। जब भी यहाँ पर आया करें जी, अच्छी बातें लिखा करें, ये क्या गोरी दिखा दें, फलानी दिखा दें, और सारे लोग आपको देख रहे होते हैं तो वो क्या आपको समझेंगे, कितने आप जो है ना वो डेस्परेट हैं। और इस तरह की बातें और अच्छी नॉलेज वाली बातें किया करें ताकि दूसरे लोग भी आपसे सीखें और जो है वो उसको कुछ लर्न करें आपसे। मीर मुर्तजा है, जाकिर हुसैन है और इसरार अहमद है। नहीं, अंडरग्राउंड नहीं है वायरिंग, ये जो पुराना एरिया है यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी नए एरियाज बन रहे हैं वो सारी अंडरग्राउंड है वायर्स, इलेक्ट्रिक सारा। अक्सा है हमारे साथ जी, सलाम कह रही हैं, वालेकुम असलाम। काजी है हमारे साथ और मीर मुर्तजा भी आ चुके हैं। देखो जी अभी बारिश हो गई है, वरना आज प्रोग्राम था कि ये सारा बाहर से घास काटें और इसको जो है वो ज़रा नीट लुक दें और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ इसलिए आपको घर दिखा रही हूँ कि ज़रा जब चेंजिंग्स आएँ तो आप लोगों को पता हो कि क्या क्या हम लोग चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। अभी ये फ्रंट वाली सारी विंडोज़ चेंज होनी है, ऊपर वाली भी, नीचे वाली भी, डोर जो है वो भी फ्रंट पे देखेंगे, या तो चेंज करेंगे या उसको पेंट करेंगे। कंडीशन तो उसकी बुरी नहीं है, पता नहीं कह रहा, बारिश की वजह ना डब्बी खुल गई है। और वरिंदर है हमारे साथ जी और मुबारक दे रहे हैं, खैर मुबारक जी। ये जी दोनों का जॉइंट है, यहाँ से एक तरफ जो राइट साइड है वहाँ पर साथ वाले घर का है बैकयार्ड पे जाने का रास्ता, और जो लेफ्ट साइड का है ये हमारा है। अब्दुल मलिक है, सना सलमान है और शाहिद फारूक भी आ चुके हैं हमारे साथ। सबको वेलकम करते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। पाकिस्तान में डॉलर 200 जी, बिल्कुल 200 का हो गया हुआ है, सुनने में यही आया है, 200 का हो गया। बड़ी प्यारी सी कल मैंने लाइटें भी खरीदी हैं यहाँ के बाहर के लिए। साजिद नवीद, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी। और ये पीछे से पता नहीं क्या वजह है कि इन्होंने यहाँ से रास्ते बंद किए हुए हैं, पीछे जाने का रास्ता जो है वो आगे से ही रखा हुआ है, यहाँ से बंद है। सुहेल है और हमीद शाह है और जी कोई शेयर कर रहा है कि कोई नहीं कर रहा, काम तो कुछ शेयर करना चाहते हो, नीचे फेसबुक स्टार्स है, वहाँ से आप लोग स्टार्स भी भेज सकते हो। क्यारियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं थोड़ी सी यहाँ पर, और पौधे भी अच्छे अच्छे वाले जो हैं वो काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। नैयर मलिक हैं, ये देखें ये सारी जाली अभी उतरेगी, फजूल की जाली लगा के यहाँ से, और जो है वो सारा इसको बंद करके काफ़ी गंदी लुक दी हुई है। और पीछे देखें वॉल इतनी ख़राब नहीं है, आगे वाला पेंट थोड़ा सा ख़राब हुआ है। कनाडा में ना बंदा ना बंदे की ज़ात, खामोश ही खामोश है जी, खामोश हमने सबको खामोश रखा हुआ है। यहाँ बंदा और बंदे की ज़ात आपको इसलिए नज़र आएगी, बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं, बड़े जो हैं वो कामों पे चले जाते हैं, कोई यहाँ पर फारिग नहीं है, घरों में बिल्कुल लोग नहीं बैठे हुए होते, कामों में लगे हुए होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लोग जो है वो बाहर हर वक्त सड़कों पर नज़र नहीं आएंगे। हाँ शाम को जो है वो जब कामों से फारिग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कामों की रूटीन ऐसी है कि किसी की सुबह जॉब है, किसी की शाम जॉब है। मैं बहन नाराज मत हो, मेरा मतलब ये नहीं था, नहीं संजुम कह रहे। अच्छा जी, मैं किसी से नाराज़ नहीं हो रही हूँ जी, ना मुझे कोई नाराज़ होने का शौक है, और जो है वो बस मैं कहती हूँ जब भी आए अच्छी बात लिखें कि लोग आपसे कुछ सीखें। इसरार अहमद है, एनिमल्स से नहीं जी, एनिमल्स तो है ये इनके, तो वो अपने बच्चे समझते हैं, यहाँ पर कैट्स होगी, डॉग्स होगी, एनिमल्स का कुछ नहीं है, वो तो नीचे से भी आ सकते हैं। ये थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए करते हैं क्योंकि साथ भी डेक है और यहाँ पर बाहर बैठने की जगह है, आराम से आप बैठ सकते हो, तो फिर शायद इसलिए लगाया हुआ हो, आई डोंट नो, लेकिन हम लोग इसको उतार देंगे और ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट लुक देंगे। साजिद नवीद हैं, सरसब्ज, हाँ जी बिल्कुल सरसब्ज है। ये देखिए हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी गर्म हवा है, ये नहीं है कि ठंडी है। गैरतुल्ला है और सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और नूरे सुबह कह रही है जी शेयर कर दिया, बाकी लोग भी कर रहे हैं या एज यूजुअल 20-25 शेयर्स ही हैं, कोई बताएगा? हफीजुर रहमान कह रहे हैं हम विजिट वीज़ा, अब ये अब मैं आपको बताऊं आप विजिट वीज़ा पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, अब ये आप पे है ना कि आपकी
क्या सोर्स हैं, किस उसमें आप आना चाहते हैं और किस तरह आप आ सकते हैं, तो ये आपको बेहतर नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि खुल गया है, तो काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं और जो 2 सालों से लोगों की एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी रुकी हुई थी, तो काफ़ी सारा उस पर वर्क शुरू हो गया हुआ है। और कह रहे हैं कि जी 2 लाख से ज़्यादा जो हैं वो लोग अभी इमिग्रेंट्स अब आने शुरू होंगे और मज़ीद भी, अभी पहले तो उनको ख़त्म करेंगे उनके जो केसेस हैं, और उसके बाद जो है वो बाकी नए लोगों को भी, बहुत सारे इमिग्रेंट्स अभी ये बुलाएंगे। राना इरशाद हैं और शाहपुर शहर सरगोधा है उनका। जी कह रहे हैं मेरे गांव का नाम ले लें, आई होप सही दिया हो। यहाँ पर मकान कितने का मिलेगा? हफीज़ुर रहमान, डिपेंड करता है जी घर घर की कंडीशन कैसी है और किस हाल में है। जो अभी नए बन रहे हैं वो तो आप मिलियंस में चले जाओ, 1-1 मिलियन का वो घर हो गया हुआ है या 900K हो गया है। लेकिन अगर जो है पुराने घर हैं वो भी अभी यहाँ पर कम से कम भी जो है वो 5.5-6 की रेंज में, जो जिनमें इतना काम भी नहीं हुआ होता, क्योंकि हम लोगों ने खुद अभी ये 575 का ख़रीदा है, तो जो है वो 6 तक आप नॉर्मली समझे ब्रैमफुट के घर जो हैं वो भी यहाँ पर हो चुके हुए हैं। संजय है हमारे साथ, अब्दुल सतार हैं, और ये अभी सबसे बेहतर जो है वो जगह है, वरना जो है वो बाकी जगहों पर छोटे छोटे से घर हैं वो 7-7, 8-8 के तो हो ही चुके हुए हैं। आज मेरा नाम नहीं लिया आपने, कदाफी अजीज कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका नाम काफी दफा लिया है, शायद आपने सुना नहीं है। अली रजा है, कनाडा शिफ्ट होने के एक्सपीरियंस बताएं। हम लोग जी यहाँ पर जॉब के उसमें आए थे, हमारे यहाँ पर हैं भाई, उनका अपना बिजनेस था, तो उन्होंने हमें साथ हेल्पर के उसमें बुलाया था, जॉब के उसमें हम आए थे। और फिर ये है कि आप थोड़ा सा जहाँ पर आपके जॉब लेटर होता है आपको वहाँ पर जॉब करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद जो है आप अगर आपको कोई बेटर जगह मिल जाती है या आपको कोई अपनी पसंद का काम मिल जाता है आप उधर मूव कर सकते हो। फिर हम लोगों ने जो है वो मिसिसागा मूव किया, वहाँ पर डिफरेंट जगहों पर काम किया और वहाँ से बहुत सारी नॉलेज ली, चीज़ें सीखी। जो पहले आपके 2 साल होते हैं ना वो हमेशा आपको बताती हूँ कि बहुत टफ होते हैं, बहुत टफ होते हैं। यहाँ पर कोई डॉक्टर आ जाए, इंजीनियर आ जाए या कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट 2 इयर्स आपको बहुत टफ हैं, और वो टफ उनका होना जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि उससे आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो लर्न करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। चीज़ें हमारी पाकिस्तान की, इंडिया की या जो भी है वो सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पर नाम डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट होती हैं, और ये चीज़ें जो है लोग कैसे हैं ये चीज़ें समझना, फिर एरियाज कैसे हैं ये चीज़ें समझना, और क्या बिजनेस करना चाहिए क्या जॉब करनी चाहिए ये समझना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर 1-2 साल जो है वो डेफिनेटली चाहिए। नहीं जी, हफीज़ुर रहमान, यहाँ पर कैश पे घर लेना बहुत मुश्किल है, 5-6-7-10 करोड़ या 10 लाख तो करोड़ किसी के पास नहीं होते, तो यहाँ पर जो है वो उस पर आपके चलता है, मॉर्गेज पे चलता है सारा, और जो है वो 20% अब कम से कम, जो पहले 5-10% होती थी अब वो 20% मिनिमम इन्होंने कर दी है, डाउन पेमेंट आपको करनी है, चाहे वो 1 मिलियन का घर है चाहे वो 2 लाख का घर है, 20% आपको करनी है, उसके बाद बाकी आपको जो है वो मंथली मॉर्गेज का सिस्टम होता है वो आपको देनी पड़ती है। साइमा है हमारे साथ, लक्की सिंह है और शैमोल है, और बर्ड पीर का नाम भी ले लें जी। बर्ड पीर आपको भी ससी वेलकम कर दें, और या किसी जगह का नाम है पता नहीं है, थोड़े लिख देते। लगे से हेलो, क्या हाल है? फारूक कह रहे हैं गर्मी है क्या? हाँ जी गर्मी है, काफ़ी हफ्सी मौसम हुआ है, हालांकि पूरी रात तो नहीं, मतलब रात से बारिश हो रही थी और सुबह तक हो ही रही थी। जाहिद फरीद है मेरा नाम। लो जी आपका नाम ले लिया, तुम उन ज़रा शेयर भी कर दो, किसी के नाम के नाल लिखा नहीं आ रहा कि उन्हें शेयर किया है, तो आइडिया को जूसिया ना करा करो, काम में अप्रिशिएट करना चाहते हो नीचे फेसबुक स्टार्स ने तो तुम स्टार्स भी भेज सकते हो। डॉक्टर गुलाम है, हर जगह पे हमारे घर के सामने बड़ा खूबसूरत सा दरख्त भी जरूर होते हैं, नियाग्रा वाले में भी थी और इतने भी है। इकबाल रतानी है, जिशान मोहम्मद है और अली रजा है जी। जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं कोशिश करते हैं जी कर लें, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पर चीज़ें इतनी अभी ये स्पेशली, पहले तो इतना नहीं था लेकिन जब से ये कोविड का हुआ था 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं, इसलिए मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ये कहती हूँ गूगल करके चेक कर लिया करें, क्योंकि ये ना हो कि मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ बाद जो तुम कहो जी हाँ जी मैं तुम तो यह बोलिया सी तो हो गया तो फिर ये अच्छी गल नहीं होएगी,
कि एवं फजूल दी मैं इन्फॉर्मेशन दे देवा अपने नंबर बनाने लिए और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के। हाँ जी हाँ जी आ जाओ, वीजे लग रहे ने, मैं लवा दें कर दें, इस तरह कुछ नहीं होता, कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता, आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी है। समा गुल हैं और शियान मकबूल हैं और जी आसिम कुरैशी सलाम कह रहे हैं दुबई से, वालेकुम अस्सलाम जी। बस अभी आपसे इजाज़त भी लूँगी क्योंकि अभी बहुत सारे काम है जी, हमने काम बहुत सारे निपटाने हैं, पूरे करने हैं। आज वेट कर रहे थे कि वो एस्टीमेट देने के लिए आएगा ये जो बाहर का है, और अभी तक जो है वो आया नहीं है। कभी ऐसा होता नहीं है कि टाइम दे के ना आए, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो बिज़ी हैं। अभी मार्केट स्लो हो गई है तो लोग क्या करते हैं कि बजाय घर बेचने के उसको रेनोवेट करना शुरू कर देते हैं, अंदर ही अंदर ठीक कराने शुरू कर देते हैं कि जो ही मार्केट ऊपर आई तो आपका ये रेडी हो। और साजिद नवीद कह रहे हैं सब शेयर करें, इसका मतलब वही 20-25 ही शेयर हुए होंगे। साजिद नवीद सर बताइएगा कितने शेयर हुए हैं। हमारा कादरी है, ज़ियाउर रहमान है और हसीब अहमद भी आ चुके हैं, हमारे साथ सबको वेलकम करते हैं। बल्कि अभी आप बस आप लोगों से इजाज़त भी लेते हैं। जसवीर कहंदा मेरा नाम लै लो जी, जसवीर जी तुहाडा नाम लै लिता जी, वेलकम करते हैं तुहानू कनेडा दे विच। ज़ियाउर रहमान हैं, आमीन, बहुत शुक्रिया जी आपकी दुआओं का। वसीम बहादुर हैं, और मैं क्या जॉब करती हूँ जी, हम लोग घर लेते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ब्रैनफर्ड में घर लिया हुआ है, इसको रेनोवेट करेंगे और फिर इसको सेल करेंगे, हाउस फ्लिपिंग का काम करते हैं। और अभी तक हमारा नेट नहीं लगा, और जी मंडे को उन्होंने बोला है, और मंडे को ये है कि यहाँ पर विक्टोरिया डे की छुट्टी लग रहा है मुझे आ जाएगी, और छुट्टी आ गई तो ट्यूसडे तक चला जाएगा। और नेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि हर चीज़ आपको यहाँ पर ढूंढनी, नया एरिया है, जगह समझ नहीं आती, चीज़ें ढूंढनी करनी, और बड़ा मुश्किल हो जाता है और नेट के बगैर। तो अब देखते हैं कि किस तरह 3-4 दिन जो है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल डाटा भी इतने नहीं होते कि वो साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। जैस हैं हमारे साथ जी, हमारा नाम भी ले लो, जैस सतरंगर बॉय, स्ट्रॉन्गर बॉय या क्या था जी, सॉरी जी ज़रा कमेंट्स तेज़ी से जाते हैं तो मिस हो जाते हैं, और इसलिए मैंने 10 ग्रुप में शेयर किया है। साजिद कह रहे हैं, सबाहत कह रही हैं 44 शेयर्स हुए हैं, क्या कह सकते हैं जी, क्या कह सकते हैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकते। चलो जी मोजा मारो, मस्त जो थोड़ा दिल करदा करो। और नबाब हैं, और जी MD चांद हैं, और फैज़ान अहमद भी है। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। बस मैंने कहा आपसे ज़रा गपशप लगाएं थोड़ी, जो भी आपसे मौसम शौसम शेयर करें, आपको बताएं, मज़ेदार हवा, ग्रीन ग्रीन मौसम, घर ले लें मसलन 4 लाख से 5 लाख तो हम आपको 20% भेज देंगे। ऐसा नहीं होता जी, अभी इन्होंने जो है वो जो यहाँ पर 2 साल नहीं है कनाडा में, वो घर यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। मार्केट स्लो होने का मेन रीज़न यही है कि पहले जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के लोग, जैसे चाइना हो गए और बाकी जगहों के लोग हो गए, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो अब इन्होंने प्राइसेस बढ़ा के और जी इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ा के और 2 साल के लिए कर दिया है कि अगर आप यहाँ पर रह रहे हो तो ही आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। मैं श्योर नहीं हूँ, 1 साल है या 2 साल है, कुछ इस तरह का वो हो गया है लॉ, तो ही आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो यहाँ पर, वरना आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो, इसलिए मार्केट स्लो हुई हुई है। शहरयार खान है, क्योंकि बाहर के लोग हैं जो वो बहुत ज़्यादा, जैसा चाइना जापान और इस तरह की जगहों के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ पूरे पूरे कैश पेमेंट दे के, 2-2 लाख डॉलर की जो है, 2-2 लाख नहीं, 2 मिलियन के हो गए, 3 मिलियन के घर हो गए, वो आराम से यहाँ पर कैश दे के लेते जा रहे थे। लेकिन अभी इन्होंने कुछ, क्योंकि जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया हुआ था, इसलिए इन्होंने जो है वो इन्वेस्टर्स की यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने पे अभी पाबंदी लगाई हुई है, जो यहाँ पर रह नहीं रहे, 1-2 साल का आई थिंक अरसा जो है वो पूरा करना है। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन कुछ ऐसा ही है, गूगल करके आप देख लीजिएगा। सैयद इमरान हैं और शफी हैं हमारे साथ जी, इसलिए अगर कोई भी आपको कहे जी तुसी 20% भेज दियो तो असी तुहाडे लई कार लै लै साथ, इंज नहीं हो सकदा हुण, आले कार नहीं लै सकदा कोई तुहाडे। और वैसे भी जहाँ पर आप हैं वहाँ पर ही चीज़ में इन्वेस्ट करें, और जो है वो जब आप यहाँ पर आएँ तभी लें, किसी को ट्रस्ट मत करें यहाँ पर। आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं दुनिया में, किसी को भी ट्रस्ट मत करें और अपना पैसा मत दें। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम हो गया हुआ है, महंगाइयाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं, और किसी को भी आप कहें जी, इवन आपके बहन भाई भी आप ये कहो जी हम ट्रस्ट करके हम उनको पैसा देते हैं कि हमारे लिए आगे कर लें, तो आजकल वो ज़माने नहीं रहे हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें और जो है वो अपने बलबूते पे और ख़ुद आके और इन्वेस्टमेंट करें या चीज़ें करें, यूँ किसी को ट्रस्ट करके बिल्कुल ना करें, और जो है वो कुछ भी धोखे आपके साथ हो सकते हैं, और जो आपने
आपने इतनी ज़िंदगी लगा के मेहनत करके चीज़ें कमाई हुई होती हैं वो आपकी ज़ाया हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि अपने जो चीज़ें हैं उनको ज़ाया होने से बचाएं और इस तरह लोगों को ट्रस्ट करके अपना पैसा मत कमाएं। तो चलें जी, और भी इन्फॉर्मेशन इसी तरह आपको साथ साथ आके देते रहा करेंगे। क्या कह रहे हैं, 13 साल सऊदीया में प्लम्बर इलेक्ट्रिशन बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम किया है। अच्छा जी, ठीक है, तो आप अप्लाई कर लें, देखें इस तरह के लोगों की तो यहाँ पर बहुत डिमांड है। और एक वेबसाइट है, वो मैं अभी नाम बोल देती हूँ, बार बार नहीं बोल सकती हूँ, अगर किसी को समझ आ जाए तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ताकि लोगों को आसानी हो जाए। वहाँ पर जाके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इमिग्रेशन में किन किन लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर बुला रहे हैं। www.cic.gc.ca, ये कनेडियन इमिग्रेशन की साइट है और यहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या जो है वो नई कैटेगरीज हैं जिसमें आप आ सकते हो। तो वहाँ पर जाके ज़रूर अप्लाई करें। चलें जी, थैंक यू सो मच जिन्होंने इंजॉय किया, थैंक यू सो मच जिन्होंने शेयर किया, और सब अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ होंगी, बस मेरा था चलो आपके साथ मौसम शौसम शेयर करते हैं, आपको ज़रा घर की अपडेट देते हैं। अभी हम बेसमेंट में लगे हुए हैं, बेसमेंट की सारी दीवारें शारे हमने निकाल दी हैं, आपके साथ कल तक शायद शेयर करूं कि कैसा लग रहा है। अब पहले आप जिन्होंने नहीं देखा, अभी मैंने नए घर का सारा टूर कराया, उसमें दिखाया, तो आप देखिएगा कि पहले बेसमेंट कैसी थी और असी किस तरह बढ़ाई है। तो चलें, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ होंगे, तब तक टेक केयर, बाय, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।